बेगम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? शहबाज नासिर। क्या करते हैं? मैं मैनेजर हूँ एक कंपनी में, ऑटोमोटिव कंपनी में। नई हुकूमत बनने जा रही है, क्या लगता है कि कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं, महंगाई कम कर लेंगे? नहीं, महंगाई तो हम अभी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ने वाली है, क्योंकि जो सेटअप बन रहा है वो हम पहले उसकी पहली किस्त देख चुके हैं एक डेढ़ साल पिछले, तो हमें तो कोई उम्मीद नहीं है कि महंगाई कम होगी। हम तो ये एक्सपेक्ट करें कि महंगाई बढ़ने वाली है, हम एंटिसपेट करें कि महंगाई और बढ़ेगी। किसी से कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, अब कैसे उम्मीद हो सकती है, मतलब आप एक डेढ़ साल एक हुकूमत देख चुके हैं और सेम सेटअप इज़ कमिंग बैक बेसिकली, तो आप क्या उम्मीद हो सकती है, आप बताएं, आपको उम्मीद है? हमने जी 24,000 अरब रुपया वापस भी करना है, क्या लगता है कैसे करेंगे? पता नहीं, अब जिसने लिया वो करेगा वापस। हमारा मुल्क मरक्रूज है ना, तो हमने वापस कर, इस साल हमने वापस करना है 30 जून तक। नहीं, इस साल ये जो नई हुकूमत आ रही है ये कैसे बैलेंस करेंगे? नहीं, अभी आप ये देखें ना कि IMF प्रोग्राम में तो हमें दोबारा वापस जाना है, तो वापसी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और दूसरा ये है कि जिसने लिया वापस जाने का मतलब है न्यू टर्म्स, न्यू शराइत आएंगी, और ऑब्वियसली आपका डॉलर जो है वो फिर दोबारा से रेज होने वाला है। वंस डॉलर ऊपर जाएगा तो सब कुछ महंगा होगा, ठीक है? तो अब हम दोबारा IMF प्रोग्राम में जाएंगे, ऑब्वियसली न्यू टैक्सेस इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं, ये 100% है कि न्यू टैक्सेस इम्प्लीमेंट। सिर्फ एक तबका पिसता हुआ नज़र आ रहा है, वो आवाम। हाँ, स्पेशली मिडिल क्लास तबका तो पिसना ही पिसना है ना। ऑब्वियसली इस कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इस सेम सेटअप से जो हम डेढ़ साल पहले देख चुके हैं उस सेटअप से फिर दोबारा से उम्मीद रखना वो तो बेवकूफ़ी है। आप सेटअप की बात कर रहे हैं कि जो हम देख चुके हैं, इससे मुझे लगता है कि आप कोई और ऐसा सेटअप है जो समझते हैं कि बेहतरी ला सकता था, वो बताइए। हाँ, ऑब्वियसली हम चेंज चाहते हैं। आप देखें ना, जिसको मैंडेट मिला है उसको हुकूमत में आना चाहिए। अगर हम धांधली की जो क्लेम्स हैं उसको रिजेक्ट भी कर दें तो फिर भी जो पार्टी मेजॉरिटी में है वो हम जानते हैं कौन है, इमरान खान की पार्टी मेजॉरिटी में, तो उसको आना चाहिए ना। अब देखें, आप वोट किसी को डाल के आते हैं, हुकूमत सदर जरदारी साहब बन जाते हैं, तो आप तो क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे, हो ही नहीं सकता। अगर पब्लिक ने किसी को भी सिलेक्ट किया, धांधली के क्लेम साइड पर करें, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो उसी को, मतलब आप जिसको वोट देंगे आप देखना चाहते हैं उसको सीट पे, आप उसके साथ कोऑपरेट करेंगे ना। मैं एक बंदे को सीट पे देखना ही नहीं चाहता, वो मुझे कोई नए टैक्सीज लगाएगा मेरे, मैं तो नहीं कबूल करूँगा उसको। तो अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि लार्जेस्ट पार्टी, नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा उसमें पाए जाते हैं, तो आपको क्या लगता है अगर वो आते तो क्या बेहतरी आती नज़र आती थी आप? नहीं, देखें, इमीडिएट बेहतरी तो हम एक्सपेक्ट करते ही नहीं है, ठीक है? हम एक्सपेक्ट करते हैं कंटिन्यूटी। अगर हमारी कोई भी हुकूमत 5 साल रहती है वो, और वो हुकूमत स्ट्रांग होगी, अगर वो इस तरह की कोलिशन गवर्नमेंट होगी जो कोई डिसीजन नहीं ले सकती, कोई डिसीजन लेने लगेगी तो दूसरी पार्टी कहेगी कि मैंने नहीं करना ये। हमें इस टाइम स्ट्रांग गवर्नमेंट चाहिए, और स्ट्रांग गवर्नमेंट कौन सी चाहिए, क्या वो किस पार्टी की चाहिए? उस पार्टी की चाहिए जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसी का हार्ड फैसला मैं कबूल करूंगा ना जिसको मैं देखना चाहता हूं। इलेक्शन रिगिंग के हवाले से आपने बात की, कैसा महसूस करते हैं कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर हम वोट कास्ट करते हैं और हमें आज तक नहीं पता कि हमारे वोट से एक्चुअल सीट पर कौन शख्स आए? हाँ ना, देखिए, अब मैं भावलपुर से बिलोंग करता हूँ, रात को हमें पता चलता है कि एक कैंडिडेट जीत चुका है, ठीक है, एक कैंडिडेट जीत चुका है, सेलिब्रेशन हो जाती है, सुबह में पता चलता है कि रिजल्ट चेंज है। अब आप मुझे बताएं कि मैं कैसे उस अपने रिप्रेजेंटेटिव को एक्सेप्ट करूंगा कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव, जिसको मैंने वोट ही नहीं डाला, मुझे पता है मेरे लोगों ने वोट नहीं डाला, मेरे पूरे शहर के लोगों ने वोट नहीं डाला, तो जब वो मुझे कहेगा कि मैं नए टैक्सेस लगाने जा रहा हूं या कुछ भी स्टेप लेने जा रहा हूं, मैं तो नहीं उसको एक्सेप्ट करूँगा। आवाम के मैंडेट की जहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं की जाती है, फिर दोबारा से वही वाली सिचुएशन आती है इलेक्शन की, एंड अगेन वी गोना गो फॉर कास्टिंग द वोट। देखें, अब कि आपको क्या लगता है, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि ये जो हुकूमत बनने जा रही है, वीक गवर्नमेंट बनने जा रही है, इज़ इट गोइंग टू वर्क? नो, इट इज़ नॉट। ये कभी भी काम नहीं करने जा रही, क्योंकि जब भी कोलिशन गवर्नमेंट बनी, आप अपनी हिस्ट्री उठा के देख लें, बेशक वो अच्छा काम करना भी चाहेंगे ना, नून लीग अच्छा काम करना चाहेगी, वो नहीं कर सकती, क्योंकि जो कोलिशन गवर्नमेंट, जो पार्टीज़ हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो नहीं करने देंगे। अगले 5 साल में अपने मुल्क को कहाँ देखते हैं? हम उम्मीद तो हम अच्छी रखते हैं, ठीक है, हम ये नहीं कहते कि हमारा मुल्क ख़राब होगा या मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे, हम अब मुल्क को तरक्की की राह पे देखना चाहते हैं। लेकिन अगर हम हमारे सिंपल एक पॉइंट है, जैसे आपने अभी बोला है ना, टू रिस्पेक्ट द मैंडेट, अगर मैंडेट रिस्पेक्ट नहीं होगा तो कभी भी आवाम जो है वो सेम पेज पे नहीं होगी हुकूमत की, मैं कैसे एक्सेप्ट करूँगा? सवाल ये है कि मेरा मैंडेट सामने नज़र नहीं आ रहा मुझे, तो मैं अगर हुकूमत के साथ सेम पेज पे नहीं हूँ, मैं पॉलिसीज एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और सिमिलरली स्किल्ड हमारी वर्कफोर्स बाहर जा रही है भाग के, तो वो सामने को। वेलकम सलाम, क्या हाल है सर? जी, अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। ज़बरदस्त सर, नई हुकूमत बनने जा रही है, पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के बना रहे हैं, क्या लगता है महंगाई पर काबू पा लेंगे? मेरा नहीं ख्याल,
क्योंकि जो मुल्क के मौशा हालात हैं ये कम ही लग रहा है, क्योंकि ये पहले भी टेन्योर पूरा कर चुके हैं तो उसमें कोई खातर खा कोई कामयाबी इनको नहीं मिली थी, तो मेरा नहीं ख्याल को कोई इम्प्रूवमेंट आएगी। सर कोई हल्की फुल्की उम्मीद ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर। अच्छा आप डॉक्टर हैं, एक्नॉलेज्ड होंगे कि हमारा मुल्क 65,000 अरब रुपए का मकरूज है, जिसमें से हमने 24,000 अरब रुपया वापस करना है सालाना। तो जब ये आएंगे क्या सूरत हाल नज़र आती है, नए कर्जे लेंगे या टैक्सेस लगेंगे, बिल ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि IMF से जब ये रब्ता करेंगे तो ऑब्वियसली टर्म्स आएंगी और टर्म्स में वही मामला चलेंगे। ऑफकोर्स मैडम हमारे पास कोई एक्सपोर्ट तो इतनी ज़्यादा है नहीं, तो ऑफकोर्स अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मजीद नए टैक्सेस लगाएंगे और बाकी चीज़ों के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे, तो वो ये चीज़ें इनके पास पैरामीटर्स हैं, इसके अलावा कोई और चीज़ नज़र नहीं आ रही। अपने मुल्क को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं? स्टैटिक देख रहे हैं या पीछे देखा जा रहे हैं, कोई इम्प्रूवमेंट के चांसेस कम लग रहे हैं। कोई एक ऐसा चेहरा, एक ऐसी शख्सियत जो लगता था कि अगर वो इक्तदार में आती तो कोई तब्दीली आ सकती थी, कोशिश की जा सकती थी? कोई भी गवर्नमेंट का स्टैटिक 5 साल चले तो फिर कोई होपफुली कोई उम्मीद हो सकती है। कौन सी ऐसी है जो 5 साल नहीं चली? हाँ कोई भी गवर्नमेंट 5 साल मतलब एक वज़ीर-ए-आज़म नहीं चल सका, तो यह भी एक रीज़न है। लगता है आपको पूरा टाइम देना चाहिए, वक्त देना चाहिए ताकि वो अपने फार्मूलाज को अप्लाई कर सकें? जी बिल्कुल मैडम, ऐसे ही अगर कोई 5 साल गवर्नमेंट को टर्न ओवर दिया जाए तो वो अपने जो भी मुआशी असलाहत हैं वो अपनी कंप्लीट कर सकें, तो इसी में पॉसिबल है, अदरवाइज़ ये मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है जी। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद लोगों से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं। सैम क्या नाम है भाई का? इमरान भट्टी। क्या करते हैं? यहाँ पे हेड शेफ हूँ मैं। कैसा काम चल रहा है? माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। नई जी हुकूमत बनने जा रही है, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग मिल के हुकूमत बनाने जा रहे हैं, क्या लगता है भर्ती महंगाई पे काबू पा लेंगे? ये देखें कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर नून लीग वालों को पीपल पार्टी को अगर अच्छा मौका मिला है अवाम की खिदमत करने का तो इनको चाहिए कि महंगाई पे काबू करें और लोगों का अवाम का दिल जीतें। अगर जो पिछले बार इन्होंने गलतियाँ की हैं तो अवाम की रंजिश की वजह से ये पीछे चले गए हैं, क्योंकि लोगों के दिलों में नफरत है कि ये हमारे लिए कुछ करते नहीं हैं। अगर इस दफ़ा कुछ करेंगे तो अपनी इज्जत भी बनाएंगे, वाम की और पाकिस्तान का नाम निकालेंगे। अच्छा जी, बहुत ही मुनफरिद सी और ख़ूबसूरत बात की है कि वाकई में आपको लगता है कि आप कहते हैं कि आपको लोग बहुत पसंद करते हैं और चंद एक जो दूसरी पार्टीज़ को पसंद करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो भी आपको चाहने लगें और हमेशा आपको ही वोट कास्ट करें जो आपके नहीं हैं कुछ वोट, तो कुछ खिदमत कर ही लें आवाम की। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि हमने इस साल 30 जून तक 24,000 अरब रुपए वापस करने हैं? बिल्कुल मैम, ये सुर्खियों में आता है ये सारी चीज़ें। क्या लगता है कैसे करें? क्योंकि जो आने बच्चे हमारे आने वाले वो भी कर्ज ही हैं, ठीक है, जो भी पैदा होने वाले हैं वो भी शो होता है कि जो सिस्टम के अंदर वो कर्ज ही हैं कि उन्होंने मुल्क का कर्ज़ा अदा करना है। अगर हमारी जो हुकूमत है जो भी बैठे अगर वो बेहतर मुजारा करती है तो मेरा ख्याल है कि वाम उनके साथ है तो कर्ज़ा भी उतर जाएगा और मुल्क डेवलप हो जाएगा जिस तरह पहले था। काफ़ी चीज़ें हमारी उतरेगा, ये तो अपना बजट ही 6-7 हज़ार अरब है। ये देखेंगे, चाइना जब बर्बाद हो गया था तो घरों घरों में उन्होंने छोटी छोटी मशीनें लगा ली थी, तो उन्होंने सब ने कौम ने और उनके जो लीडर थे उन्होंने यकजहती की और चाइना आज दूसरी नंबर पे आता है सुपर पावर में। अगर पाकिस्तान करेगा क्या? पाकिस्तान ये देखे कोई चीज़ दे, ये मैक ही लगा लें आप, इसका डुप्लीकेट बना सकते हैं क्या? ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, इतनी बिल्टी है हमारी कौम में, लेकिन अगर हुकूमत साथ दे तो फिर। आज भी हमारे दरमियान ऐसे बेशुमार लोग पाए जाते हैं जो पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, चांस देना चाहते हैं और उम्मीद रखते हैं, तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो उनकी उम्मीदों पर बाकायदा उतरें।